गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं वापस वडोदरा आ गया हूँ और कम से कम 2500 किलोमीटर गाड़ी चला के, तो गाड़ी अभी 1 लाख से ऊपर हो गई थी, गाड़ी मांग रही थी सर्विस। तो मेरे एक बहुत ही ख़ास दोस्त हैं मृदुल जी, जो कि मेरे को यूट्यूब से ही बने हैं मेरे, और वो महिंद्रा में काम करते थे। तो इनके एक फ्रेंड है, उन्होंने शोरूम खोला है अपना सर्विसिंग का, तो मैं वहाँ आया हूँ। ऑटो विंग कार्स, तो काफ़ी अच्छा सेटअप है भाई का यहाँ पे। यहाँ पे सभी गाड़ियाँ देखी मैंने, लाइक BMW, ऑडी, सभी यहाँ पे मल्टी सर्विस ब्रांड है यहाँ पे। तो यहाँ पे सभी गाड़ियों की अच्छे से सर्विस की जाती है। तो इधर आया हूँ, अपनी गाड़ी भाई लग गई है वहाँ पर, तो जैसे ही काम स्टार्ट होगा तो अपडेट करूँगा आपको। तो क्योंकि गाड़ी भी यार डिज़र्व कर रही थी, अभी काफ़ी इसने साथ दिया मेरा। तो देखते हैं अभी इसके बाद क्या प्लान हो सकता है इस गाड़ी के साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे निकालनी चाहिए कि रखनी चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ इस तरह का सेटअप है और काफ़ी भाई ने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। इधर पीछे वॉशिंग एरिया है और यहाँ पे सिटिंग एरिया है, दिस इज कैबिन। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आज काम भी करूँगा, थोड़ा एडिटिंग वगैरह स्टार्ट करूँगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त सेटअप किया हुआ है भाई ने, और सीरियसली थैंक्स टू मृदुल जी। तो ये विवेक जी हैं और आयान जी, इनसे मेरी बात हुई थी। हेलो विवेक जी, यस सर, वर्कशॉप का मृदुल जी आएंगे बोला उन्होंने, कहता कोशिश करूंगा मैं आने की। मृदुल जी ने बोला था आएंगे, पर आपने सेटअप बहुत अच्छा किया हुआ यार। हाँ बताया उन्होंने, हमारा नॉलेज था ना, उसको यूटिलाइज किया है जितना, उसको अगर कस्टमर को हेल्प कर सके उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जितना कर सकते थे उतना किया है। प्रोफेशनल फॉर दैट पर्टिकुलर प्रीमियम सेक्टर, हाँ, तो उसके लिए कुछ भी काम होता है तो जाएगा। चलो, चाबी अंदर ही है। बस इसमें एक ही दिक्कत आ रही है कि अगर मैं जैसे हाईवे पे लॉन्ग राइड पे निकल गया ना, मैंने विद क्रूज या विदाउट क्रूज 80 पे चला रहा हूँ मैं, और एक घंटा चला ली, तो इसमें वो हिल डिसेंट और हिल होल्ड कंट्रोल का एरर आ रहा है, और ESP ऑफ हो जा रहा है वहाँ पे, ESP की लाइट जल जाती है। मैंने उसका एक वीडियो में कैप्चर किया हुआ है, वो है, बाकी तो नॉर्मल सर्विसिंग रहेगी और टायर रोटेट होंगे पीछे वाले। मेरे को पता नहीं था इस एरिया का, मैं मतलब इधर पहली बार ही आया हूँ। हल्का सा है, गाड़ी लग गई अपनी बे पे और काम हो गया स्टार्ट। अदल भाई की गाड़ी वडोदरा टू लद्दाख 2024। मृदुल भाई भी आ गए हैं हमारे। हेलो, और मस्त एकदम। हां मैं रुका, देखो क्या बोल रहा हूं मैं। हां भाई लाइसेंस दिखाओ, तो मैंने तो ऑनलाइन अपना दिखा दिया लाइसेंस, ठीक है। आरसी बुक बोला तो आरसी बुक दिखा दिया मैंने, ठीक है। मैं चलो डन, मैं आरसी बुक वगैरह कर लियो वहां पे, वो मेरे को बोलता है आपका PUC का है। हां मेरा भाई जितने आरसी बुक दिया है उसमें इंश्योरेंस और सब कुछ डिटेल्स आ जाते हैं, मेरा चाहिए तो मैं डाल देता हूं 1000 रुपए। आपको फाइन भरना पड़ेगा क्योंकि आपने बिना चप्पल के गाड़ी चलाई है, चप्पल के साथ तो चला ही नहीं सकते आप। हाँ, ये चप्पल है तो चप्पल ले चला, तो आपको दंड भरना पड़ेगा। क्यों भरना पड़ेगा, मैंने डायरेक्ट जब पैर से पहना, आपको उसका भी दंड भरना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कोई बात नहीं, मैं थोड़ा गाड़ी बाजू में रखा, मैं बोला मैं नीचे उतर के आता हूँ, बोला आप मेरे को लिख के दे दो कि भाई ऐसा है, तो दोबारा मैं करूंगा नहीं। मेरी यूट्यूब चैनल है, जैसे यूट्यूब का नाम ही भाग गया पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज, व्हाइल रिटर्निंग फ्रॉम 152D वाला जो अपना जो हाईवे है वहां पे, अब वहाँ पे इंटरसेप्टर गाड़ी खड़ी थी और स्पीड लिमिट वाली, ठीक है। स्पीड लिमिट वाली गाड़ी का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, वो कभी रुकेगी नहीं, वो आपका कैप्चर करके सीधा, नहीं उसमें दो मोड है। अच्छा, एक ऑफलाइन है, हाँ, एक ऑनलाइन है। हाँ, अगर ऑफलाइन है उनके पास ट्रिगर नहीं होता है तो बंदा, हाँ, रुकवाएगा आपकी गाड़ी, हाँ, को वो चलान लेगा। अगर ऑनलाइन है तो आपको कुछ रुकवाएगा भी नहीं, आप निकल जाओ, आपको तुरंत 2 मिनट बाद या 5 मिनट बाद मैसेज ट्रिगर हो जाएगा। अभी क्या हुआ, मेरे को उसने बोला, मैंने गाड़ी रुकी, मैं बोला
आप बोल रहे हैं बियॉन्ड 90 की स्पीड से चल रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट। अच्छा, डैश कैम लगा हुआ है आगे पीछे, डैश कैम तो उसमें स्पीड लिमिट्स मेरी सब आ जाती है, तो वो मेरे को मगजमारी करने लगा। मेरे को बोले अगर तुमको देना है नहीं, ही वांट्स टू टेक दी प्राइड, पहले पैसे दो मुझे 5,000 रुपए छोड़ू। बोले अगर नहीं देना तो कोई बात नहीं, तुम्हारे नाम का बोले मैं पर्चा फाड़ दूंगा। तो कोई एक स्टेटमेंट पे रो, ठीक है, अच्छा चलो मैं चल, मैं गुनेगार हूँ, तो आप मेरे को कुछ तो दे दो, कुछ दिखाओ कि हाँ भाई गाड़ी नंबर दिखाओ, क्या स्पीड आई है आपकी मशीन में वो दिखाओ। मैंने फिर उसको बोला मेरा बॉस, मैं भी मेरा ऑटोमोबाइल्स में हूँ, मैंने बीएमडब्ल्यू का टी शर्ट पहना था, मैं भी ऑटोमोबाइल्स वाला हूँ, आप मेरे को ये दे दो, मैं मारुति वाले से बात कर लूँ यार, ऐसा कैसा ये नब्बे का मेरे को स्पीड बता रहा है, यहाँ पे ये बोल रहे 120 चल रहा है एंड समथिंग गोइंग रॉन्ग। और मेरा दूसरा प्रूफ भी है कि मेरे पास बैक कैम भी है। सर बिलीव नहीं करोगे, वो गाड़ी उन्होंने कैसे रिवर्स किया निकल गया, तो उन्होंने देखा ना यूट्यूबर है, अथर्व क्या कर रहा था अंदर से सिर्फ रिकॉर्डिंग, खाली खाली कैमरा मैं उसको बोला कैमरा घुमा से कुछ करना ये बैठो। यानी लोग किस तरह से आपको वहां पे उल्लू बनाते हैं हाईवे पे, ये चीज फैक्ट है। मैंने इसको बताया, मैंने देख बेटा इसके लिए अपने प्रूफ मिलता है, और देखो एवरीथिंग वाज ओके, बट द थिंग नहीं, मैं अगर मेरे को भी रुकवाया ना उन्होंने एक बार, मैंने कहा कितनी स्पीड आई, कहते सर 107 आई, मैंने कहा यार पीछे बोर्ड, और जस्ट हुआ क्या ये, मैं क्रॉस कर रहा था अपना जयपुर से निकला था मैं, और एक फ्लाईओवर था, फ्लाईओवर से पहले थी स्पीड लिमिट 100 की, और जैसे फ्लाईओवर उतरा तुरंत बोर्ड आ गया आगे 80 का, तो अब मैं जितनी देर को रिस्पॉन्ड करता आगे वो बैठे हुए थे, बिल्कुल रडार लगा के बैठे हुए थे, तो कहता सर इस पे 80 का है, आपने बोर्ड देखा क्या? मैंने कहा पीछे तो 100 बता रहा है और आप एकदम टर्न पे आके बोल रहा है 80, डिस्टेंस कितना है और उसका हार्डली 500 मीटर होगा, तुरंत रुका लिया, मैंने कितनी स्पीड है, कहते सर 107 है, मैंने कहा ठीक है। और वो दूसरा बंदा था उसको भी रुकवाया, स्पीड आ गई, कहता सर चलान भरना पड़ेगा, ये ऑफलाइन है, अगर आगे जाओगे आगे ऑनलाइन है तो उसमें तो आपका डायरेक्ट मैसेज फिर होगा। मैंने कोई नहीं, उसने मेरा बिल बनाया 1,000 रुपये का, ओवर स्पीडिंग के साथ पूरा गाड़ी नंबर से मैंने पैसे दिए, उसने मेरे को रिसीव दी। दूसरा बंदा उससे आर्ग्यू कर रहा था, कहता सर, दूसरा बंदा एएसआई था, तो क्या बोला, कहता सर सरकार हमें 70,000 तनख्वाह देती है, हम कोई 1,000-2,000 के लिए यहाँ पे बैठे नहीं अपनी जेब भरने के लिए, कहता आपका चलान आया मीटर पे रीडिंग आई है, आपको चलान भरना पड़ेगा, मैं अपनी जेब से नहीं भरूंगा। तो मैंने बोला यार सही बात कर रहे हो आप बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो मुझे अच्छा लगा आपसे मिलके, आप तो मिला के मैं निकल गया वहाँ से, जो जिला पास करीबन 18,000-12,000 फुट है ना, वहाँ से जो बालताल का बेस कैंप है ना वो शोइंग इन अ डॉट। अच्छा, यू कैन सी ऑन माय ब्लॉग आल्सो, वो मैं डॉट पे दिख रहा है बॉस, वहाँ पे मेरे पास जो मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड का जो टायर है वहाँ से हार्डली मैं बोल सकता हूँ 1 फीट जितना मेरे पास जमीन था। अच्छा, और वहां से अगर अच्छा वो जमीन वाला कौन सा कि जो ऑलरेडी बर्फ वाला जो पानी जो गिरता है वैसा, अगर वो स्लिप होती है तो मेरी गाड़ी को कोई सपोर्ट नहीं है कि मैं उसको कुछ पकड़ पाऊंगा, या सीधी बैंक होकर सीधी नीचे चली जाएगी 11,000-12,000 फुट से नीचे जाएगी। तो अगर नीचे गया मैं तो मेरे को मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मेरी फैमिली के लिए कुछ भी करने की हो गया। बट सर सही मायने में वहां पे बोलता हूँ कि वहां पे जो लोग हैं जो ट्रक ड्राइवर से उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहां पे जो पुलिस आते ना दे आर बुलशिट्स, उनको बुद्धि नहीं है कि भाई रोड्स बहुत छोटे हैं तो रॉन्ग साइड मत आए, रॉन्ग साइड आ जाते हैं उसका भी वादा नहीं है सर, बट दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद एनीथिंग, कि भाई थोड़ा जगह दे दो एडजस्टमेंट करके गाड़ी निकालो। दिख रहा है कि वो गाड़ी ज्यादा डेड लेंथ पे है, देन आल्सो उन लोग अपनी दादागिरी, आज यहाँ पे मेरी मदर और मेरी वाइफ वो ऐसा बोलो कि सांस अटक गई थी, क्योंकि सर लिटरली नीचे आपको वैली दिख रही है इतनी, 11,000-12,000 फुट किसको बोलते सर, और आपको सिर्फ एक डॉट डॉट दिख रहे। अच्छा, जब मैंने मेरी वाइफ को बोला मैंने तू सिर्फ बागे से देख, बोली मुझे मैंने देखा मेरे को चक्कर, तो मेरी मदर 75 एज है, वो शी वाज लुकिंग थ्रू, उसने मन अपना हो कि क्योंकि मुझे उनको गाइड कौन करेगा। अच्छा, मैं इसको नहीं बोल सकता हूँ नीचे उतर दो, जगह ही नहीं है वैसे कि मैं नीचे उतरेगा, तो अच्छा ठंडी भी उतनी है, ठीक है, तो मेरी मदर मेरे को बोले बेटा थोड़ा इससे डर थोड़ा इससे, बट मेरी मम्मी ने लास्ट में जब मेरे को हम लोग नीचे उतरे बेस कैंप से, यानी मैं 1 बजे दोपहर का ऊपर चढ़ा था पॉइंट पे था मैं डोजिला पे, और मैं 5 बजे जब नीचे आया, हालांकि 1 घंटे में हम लोग नीचे आ सकते हैं, तो हम 5 बजे जब नीचे आए तब तक मुझे डर नहीं लगा था, मैं फ्रेंकली आई एम टेलिंग यू मेरे को डर नहीं लगा। जहाँ हम लोग नीचे बेस कैंप के पास आए वहाँ पे चाय शाय के, क्योंकि उन्होंने डायवर्जन कर दिया था,
तो मैं वहाँ पे चाय पीते पीते बारिश हो रही थी, मैं धीरे से ऊपर देखा तो सब बाइक गाड़ी ऐसी लाइन में दिख रही और फिर आगे जैसे रहते हैं जो लास्ट टाइम देखा ना सर, वहां पे मेरे को डर लगा कि मैंने ये क्या चलाया मैंने गाड़ी, यानी आई एम नॉट फीलिंग प्राउड कि मेरी ड्राइविंग जैसा ऐसा नहीं, लेकिन मैं रियली बहुत डर गया था। यहाँ तक भी ठीक है, आप कहीं पे भी जाओ जम्मू एंड कश्मीर में रॉन्ग साइड गाड़ी आ रही है, अरे यहाँ तक के टनल में भी गाड़ी रॉन्ग साइड लेके आया, तो दिस वाज द फैक्ट फॉर दैट। बट सिमिलर टू दी एज सून एज यू मूव डाउन फ्रॉम जोजिला पास टू कारगिल वाज द रोड्स, मैं आपको बोलूं ये 152 डीबी कोई काम का नहीं है ना एक्सरसाइज है सर, क्या बीआरओ ने काम किया, बीआरओ तो खतरनाक है सर। मैं वहां पे बताऊं लैंडस्लाइड से अगर स्टोन गिरे हैं तो दैट्स अ एक्सेप्शनल केस सर, होता है वो नेचुरल है, अदरवाइज विवेक यू वोंट बिलीव तेरे को मट्टी का ढेर भी नहीं मिलेगा, अरे यहाँ तक के कांच होते ना जो पार्टिकल्स सर वो भी नहीं, किस तरह से वहां पे झाड़ू आती है ना वहां पे बड़ा झाड़ू रहता है उससे वहां पे लोग जो मैंटेनेंस स्टाफ है वो साफ करता है कलेक्ट करता है, अच्छा ऐसा नहीं कि रोड साइड में डाल दो, उसका एक कलेक्टर है वो रखते हैं ट्रक आता है उसमें डाल के लेके जाते हैं, आप सोचो कि ये कहाँ का फ्यूचर है, अच्छा वो वहां से लेके कारगिल और कारगिल से ले वाला जो रोड है बॉस फॉर बाइकर्स फॉर कार्स पैदल चलो साइकिलिंग करके जाओ सर एक घंटा मिल जाए तुम्हारा ना बढ़िया किया ना सर, आई अप्रिशिएट इट। पैंगोन लेक वाला बात करो आप बहुत अच्छा गाड़ी का काम किया है तो आई एम हैप्पी आई एम सेटिस्फाइड, बस एक छोटा सा काम था जो पेंडिंग रह गया है उसके लिए भाई दोबारा फोन करके मुझे बुलाएंगे तो मैं डेफिनेटली आऊंगा, पर रियली आई रिकमेंड ये विवेक सर है तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और मैं यहाँ पर हूँ ऑटो विंग कार्स में, तो भाई मैं अभी निकल गया हूँ, सीरियसली उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया गाड़ी में और अंदर बैठने के लिए काफ़ी अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगा उससे मिल के, तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट टाइम इधर ही आने वाला हूँ और जो भी मेरे दोस्त हैं यहाँ पे वडोदरा में उनको रिकमेंड करूँगा ऑटो विंग कार्स, काम बहुत अच्छा था, तो इसी के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड समवेयर ट्रैवलिंग अराउंड, सो टिल देन बाय बाय। Yeah.